नमस्ते स्वामी जी। आइए आइए, नमस्ते। मैंने जो सुना वो सुनकर मैं चिंतित नहीं हूँ, दुखी हूँ और आश्चर्यचकित हूँ। क्या आपने ऐसा निर्णय कैसे लिया? स्वामी जी, मैं आपके पास आता था ताकि अपना कर्म जीवन में आपका कुछ मार्गदर्शन प्राप्त हो, लेकिन अभी मुझे बिल्कुल जीने की जरा सा भी इच्छा नहीं है। मैं अभी अपना ये शरीर छोड़ना चाहता हूँ। आप ये शरीर के मालिक हैं। ये शरीर आपकी मर्जी से आपको मिला है। ये जो काम आप कर रहे हो वो आपकी मर्जी से हो रहा है। आप अपनी मर्जी से अपना शरीर छोड़ सकते हैं। क्यों नहीं? यदि शरीर के मालिक मैं हूँ तो जब मुझे जीने की इच्छा नहीं है तो मैं इसे छोड़ सकता हूँ। अगर ऐसा है तो आप सफल क्यों नहीं हुए? लेकिन इन लोगों ने मुझे कुछ दवा वगैरह देके मुझे बचा लिया, लेकिन गलत किया इन लोगों ने। मैं जीना नहीं चाहता। आपको शरीर आपके माता पिता ने दिया है, लेकिन आपकी आत्मा का जन्म उन्होंने नहीं दिया है, और आत्मा का समय काल पूर्व निश्चित है। आप जो कर रहे हैं ये आपकी मर्जी से नहीं है, इसके कर्ता आप नहीं है। आपको वही करना होगा जो आपके विधान में लिखा है, उसके लिए आप बाध्य हैं। स्वामी जी, मैं आपसे क्या बताऊं? अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, एक कार्यकर्ता, उसके पीछे अंग्रेज सिपाही लग गए। वो भागता भागता एक मंदिर में गया पुजारी के पास आसरा पाने के लिए। उस पुजारी ने उसको अपने घर लेके गए। तुम यहाँ पर सो मेरे घर में, जब सिपाही यहाँ से चले जाएंगे तब तुम चले जाना। लेकिन उसने क्या किया पता है? वो चौकी पे चला गया और सिपाही को बुला कर लेके आया और उसको पकड़वा दिया और उसको 10 साल की जो है सश्रम कारावास हुआ। अब बताइए, मैं इन लोगों के साथ काम करूं? इसलिए मुझे बिल्कुल जो है एकदम नफरत हो गई है। मैं जीना नहीं चाहता हूं। स्वामी जी, क्या इन लोगों के साथ कार्य करके हमें सफलता मिलेगी? हम लोग स्वराज को हासिल कर पाएंगे? बताइए ना। और स्वामी जी, आपको जानकर हैरानी होगी कि उस पंडित पर अंग्रेज सरकार खुश होकर एक गांव उसको भेंट दिया, और हमारे कितने ही कार्यकर्ता पर ऐसे ही नाम लगे हुए हैं। और वो पंडित चाहता है इसी तरह से एक एक करके सबको पकड़वाए और उसको हर बार एक एक गांव जो उसे उपहार में मिल जाए। और पंडित चाहते हैं धीरे धीरे हमारे देश के लोग, कार्यकर्ता लोग ये सारे मारे जाए और उनके कुर्बानी से विदेशी लोग देश छोड़कर चले जाए और ये लोग जो हैं हमारे देश पर शासन करें। और वो पंडित इतना निर्लज्ज है, बिल्कुल खुलेआम बोलता है कि तुम लोग देश के लिए कुर्बान हो और अंग्रेज देश छोड़कर चले जाए। और इस देश के गद्दार लोग ये चाहते हैं कि हम लोग की कुर्बानी से अंग्रेज लोग चले जाए और ये गद्दार लोग जो हैं इस देश पर शासन करें। नहीं स्वामी जी, ये आपने लोगों का ये धोखा अब मुझसे सहन नहीं होता। मैं मुक्ति पाना चाहता हूँ। और आप सोचते हैं कि ऐसे ही आपको मुक्ति मिल जाएगी? नहीं मेरे भाई, ये कांटों का रास्ता है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस रास्ते में कांटे चुभेंगे, तकलीफ आएंगी, लोग धोखा देंगे, तो आप क्या रास्ता छोड़ देंगे? चलना बंद कर देंगे? इन बातों से विचलित होकर आप मुक्ति चाहते हैं? अभी तो आप अपने पूर्ण संकल्प के साथ इनका सामना करके आप आगे बढ़िए। आप संतुलित होकर जो आप अपना आत्मबल बढ़ाएंगे उससे आपके अनुयायी और आप लोग मिलकर सफलता पाएंगे। नहीं स्वामी जी, अभी मैं इस मनस्थिति में नहीं हूं कि मैं पूर्ववत जैसा मैं कार्य करता था फिर वैसा कर सकूं। आपको बता दूं कि मैं अपने पत्नी का भविष्य निधि का पूरा व्यवस्था कर चुका हूं और घर परिवार के साथ मेरा कोई भी मोह माया नहीं है। मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। मेरे भाई, ये तो अच्छा है कि आपका अपने घर परिवार से मोह छूट गया है और आप संन्यास लेना चाहते हैं, लेकिन संन्यास के लिए संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको अपने संसार की और जवाबदारियों के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाकर इस रास्ते पे जा सकते हैं। मेरे भाई, संन्यास का मतलब है कि आप निर्लिप्त होकर, काम क्रोध से मुक्त होकर इस पथ पर आगे जाए। संन्यास का मतलब ये नहीं है कि आप अपने जो संकल्प करके जिस क्रांति के पथ पर जा रहे हो उसे छोड़कर हट जाए। वो कैसे? ऐसा नहीं है संन्यास कि आपने दाढ़ी बढ़ा ली, भगवा पहन लिया और जंगल में जाकर पहाड़ पर रहने लगे। नहीं, ये संसार में आप अपने कर्म के फल को पूरा कीजिए। स्वामी जी, अगर ऐसा है तो आपने भगवा वस्त्र क्यों पहने, इस तरह दाढ़ी क्यों बढ़ाए? आप भी तो इसी तरह संसार में रह करके संन्यास जीवन बिता सकते थे। मेरे भाई, मैंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं किया है और मेरे जीवन में कोई स्त्री भी नहीं आई है, इसीलिए मुझे गृहस्थ जीवन का सुख और दुख मालूम ही नहीं। और ये भगवा जो मैंने ग्रहण किया है, ये मुझे भी याद दिलाता है कि मैंने संन्यास लिया है। और जो लोग मेरे आसपास हैं, उन्हें भी पता चलता है कि इनका पथ अलग है। वो मेरे साथ दुर्व्यवहार या आदरवाद व्यवहार नहीं करते। जैसे मैंने अपना रास्ता निर्णय लेकर अपने जीवन में ऐसे आगे बढ़ रहा हूँ, उसी तरह आपने जो निर्णय लिया है क्रांति के रास्ते पे, अपने नए संकल्पों के साथ आप आगे बढ़िए, वही आपका संन्यास है। मुझे आशा है कि आप समझ गए हैं क्या आपका जीवन क्या है, और आप विचलित हुए बगैर अपने कर्म के प्रति वफादार होकर आगे बढ़े और ऐसा गलत कर्म दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है स्वामी जी, अब मैं अपना संकल्प को जगाऊंगा और क्रांति के पद पर अग्रसर होऊंगा। ठीक है स्वामी जी, आज्ञा दीजिए। अच्छा, सुनने में ये आ रहा है कि आजकल वो बम बना रहा है। वो क्या होता है? बड़े साहब का तो यही फरमान आया है कि सबसे पहले छुटका को पकड़ा जाए। जब पुलिस की फटकार पड़ेगी, सबका नाम उगल देगा। लेकिन पता है उसका आता पता? पता तो नहीं है। फिर जय भवानी वाला है ना, जय भवानी बोलने के लिए मंदिर जरूर आएगा। बिल्कुल सही बोले। ओए, किधर जा रहा है? साहब, मुसाफिर हूँ। मुसाफिर? तो इधर किधर जा रहे हो? नीमतला लगाओ। नीमतला? नीमतला कौन है उधर? मेरे रिश्तेदार है। रिश्तेदार? तो कौन रिश्तेदार? घनश्याम दुबे। घनश्याम दुबे? ऐसा कैसे पता है? पूरा पता बताओ। पता वही है साहब, नीमतला लगाओ। व्यवसाय क्या है उनका? खेती बाड़ी। ऐसी कोई खेती बाड़ी तो नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक है, जाओ जाओ जाओ। What is this? What is this nonsense? What is this nonsense? सर सर सर, आप इधर से चलिए सर। What is this? सर वो सब बाद में देख लेंगे, आप पहले अंदर चलिए सर। यहाँ आपको बिल्कुल खतरा नहीं है सर, तब तक बाहर का मामला ठीक नहीं हो जाए। आप यहीं रहिए। सर आ जाइए आप बाहर, माहौल सब ठीक हो गया है, आइए। वो ठीक होगा, वो ठीक हो गया है। I don't want any excuse. I want that person right now. सर वो आदमी मिल जाएगा, जल्दी हम उसे ढूंढ लेंगे। ओके, लेट्स मूव। सर अब सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। मुझे कुछ नहीं सुनना है जिसने भी ये काम किया है। सर 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 ओ फक सर, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझको वो आदमी चाहिए जिसने ये काम किया। सर वो लोग देशद्रोही हैं, वो कंपनी के खिलाफ काम करते हैं। सर आप एक बार हुक्म दीजिए, सारे के सारे लोगों को आपके सामने लाता हूँ। ओके एक काम करो, कल मॉर्निंग में तुम सब हमारा दफ्तर में आ जाओ। भाई बताए तुमने, एक देशद्रोही को पकड़ेंगे तो सरकार ने एक गांव देने का ऐलान किया है। ये तो पुरानी बात हो गई। अगर रजत बाबू को पकड़ेंगे तो सरकार हमको 18 गांव देगी। ऐसा है क्या? हाँ, रसायन से बम बनाना सीख लिया है लेकिन अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। तो क्या इस्तेमाल करना तो आना चाहिए। ठीक है, समय आने पर हो गई। वो क्या है दादा, हम सब लोग इस काम के लिए तो तैयार हैं, लेकिन जैसे हम लोग इस काम के लिए आगे बढ़ते हैं वैसे फिरंगी सिपाहियों का बहुत कड़ा पहरा है। आपको क्या लगता है, गोरे कमजोर है, वो हमारी ही चाल से हमको मारना चाहते हैं। आप बताइए। मैं भी इसी बात पे सहमत हूं। और आप? हम भी इसकी बात से सहमत हैं। एक स्वामी जी आए हैं जो हमें अहिंसा के रास्ते पे चलना सिखा रहे हैं। वो कहते हैं शस्त्र उठाना हमारे संस्कृति के खिलाफ है, हमें शस्त्र छोड़ देना चाहिए। बंद करो ये बकवास। कोई स्वामी वामी के पास नहीं जाओगे तुम लोग। मैं नहीं मानता इस अहिंसा को। हमें शस्त्र उठाना होगा, शस्त्र। आजादी हमें शस्त्र से ही मिल सकती है, समझे? आप तिवारी जी को तो जानते ही हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, और शिमला स्ट्रीट के जो दत्त परिवार की माता जी हैं उन्हें भी जानते हैं, जो कि उनका भी यही कहना है। हमारे इस घर में कोई स्वामी, कोई बाबा, कोई माता जी का उपदेश नहीं चाहिए। ये सब लोग हमारे कार में गुमराह करने वाले लोग हैं। आगे भी बहुत से लोग आएंगे, कोई स्वामी आएगा, कोई माताजी आएगी, कोई नेताजी आएंगे, अपना अपना उपदेश देंगे। लेकिन मेरा आदेश है, मैं जो कहूंगा वही करना। तुम सारे लोग समझदार हो, पढ़े लिखे हो। ईस्ट इंडिया कंपनी उसके सामने हम गिड़गिड़ाएंगे, हाथ जोड़ेंगे कि हमें आजादी दे दो। और तुम लोगों को क्या लगता है कि आजादी ऐसे दे देंगे भीख में? नहीं, आजादी तक पहुंचने के लिए हम लोगों को शस्त्र उठाना होगा। इतनी आसानी से हमें आजादी नहीं मिल सकती, अहिंसा पर चलकर नहीं मिलेगी। शस्त्र उठाओ आजादी के लिए। आज से कुछ साल पहले पांडे जी के नेतृत्व में भी एक विद्रोह हुआ जिसमें हम लोग भाग लिए। इसलिए आज ही नेताजी, माताजी, स्वामी जी, बाबा जी सब कहते हैं अहिंसा के मार्ग पर चलो, हिंसा से कुछ नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? उस दिन की परिस्थिति और थी, आज की परिस्थिति और है। हम उनके ही शस्त्र से उनको मार देंगे, उनकी चाल से उनके ऊपर ही आघात करेंगे। तुम लोग ये मत समझो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हमसे प्रेम कर रहे हैं। अरे ये लोग हमें लूटने आए हैं, लूटने। हमारा देश सोने का खजाना है। सदियों से लोग इस देश में आते रहे हैं, हमें लूट कर जाते रहे हैं, लेकिन ये अंग्रेज यहाँ पर टिक गए हैं। वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात सारा विश्व हमारा परिवार है। अंग्रेज इसलिए टिके हैं हमें गुलाम बनाने के लिए। हमें गुलाम बना दिया है, लेकिन हम इनके गुलाम नहीं रहेंगे। आजादी पाकर रहेंगे, आजादी चाहिए हमें, इसके लिए हमें शस्त्र उठाना ही होगा। मगर एक बात ध्यान रखें, घर की माँ से ज्यादा कीमती हमारी जान नहीं है। अपनी माँ की आन बान को बचाने के लिए हम अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। अंग्रेजों के सामने झुकेंगे नहीं, ना ही अपने सर को झुकाएंगे। दादा, हमारे गांव में कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। हमारे गांव के बाजू में मंदिर था, उस मंदिर में पुजारी रहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उस मंदिर में हमारा एक नौजवान छुपा था और वो नौजवान उस पुजारी से आश्रय के लिए भीख मांग रहा था। उस पुजारी ने उसे आश्रय देने के लिए अपने घर लेकर गए और वो नौजवान इतना थका हुआ था कि उसे घर पर जाकर गहरी नींद में सो गया। और उस पुजारी ने उस गहरी नींद का फायदा उठाकर फिरंगी सिपाहियों को लेकर उसे सिपाहियों के हवाले कर दिया। और इसी बात से अंग्रेजों ने खुश होकर उस पुजारी को एक गांव बख्शीश दिया। और इस तरह की हालत देखकर हमारे नौजवानों के दिलों पर निराशा सी छा गई है। क्या करे अभी, क्या ना करे, कुछ हमें समझ नहीं आ रहा है दादा। बस आप ही का एक सहारा है। दिल तो करता है ना उस पंडित को जान से मार दूं, पर क्या करूं, हम लोग भी मजबूर हैं। उन सिपाहियों के बीच वो पंडित घिरा हुआ है, उनकी निगरानी में है। आप ही बताइए दादा, अगर इस तरह की गद्दारी और खुदगर्जी की वजह से हमारे मित्र अंदर जाते रहे, अपनी जान गवाते रहे तो। बस, मैं सब समझ गया। वो सिर्फ हमारा ही गद्दार नहीं, देश का ही गद्दार नहीं, घर की माँ का भी गद्दार है। ऐसे गद्दार की एक ही सजा है, मृत्यु दंड, चाहे जिस तरह से। और बोलिए, क्या समाचार है दादा? समाचार तो अच्छा है। और आजकल के जो नौजवान, उन लोगों का जोश और हौसला बहुत ही बुलंद है और हमारे विचारों से जुड़े हुए हैं। और उन लोगों का हौसला बुलंद देखकर ऐसा लगता है कि हम लोग अपने उद्देश्य में आने वाला समय में सफल होंगे और अच्छी तरह सफल होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं दादा, और मिदनापुर के बाकी नौजवान हमारे साथ जुड़ने के लिए उत्सुक है और आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन दिन के उजाला में आपसे मिला नहीं पाऊंगा, रात के अंधेरे पे लेके आऊँगा। अच्छी बात है, आप उनको लेकर आइए, काले लेकर आइए, रात को लेकर आऊँगा। लेकिन दादा, उधर तो चिंगड़ी भड़क रही है, जबरदस्त भड़की है। वही तो चिंता की बात है, इधर कर्षण का पहरा बहुत ही तगड़ा है, इसलिए बहुत सोच समझ के जो है यहाँ पर आना है। कोशिश करो कि रात के अंधेरे में ही आओ, जैसे अभी तुम आए हो इसी तरह से आओ। दादा, वो लड़के लोग बहुत होशियार हैं, उन नौजवान सड़े होशियार हैं। मैं रात को ही लेके आऊँगा आपके साथ में लाने के लिए। ठीक है, कल ही लेकर के आओ। ठीक है। अरे बाबा, इतना चिंता करने की क्या जरूरत है? अभी तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि मेरे ऊपर कोई सिपाही आए और कोई मुसीबत हो। मेरे ऊपर अभी भी जो है रजत बाबू की तरफ कंपनी की कोई नज़र नहीं है। और वो लोग आएंगे, रात के समय पे आएंगे, कोई ऐसा वैसा मुसीबत आने वाला नहीं है। और ऐसा भी क्या होने वाला है, अगर सिपाही आ भी गया, मुझे गिरफ्तार भी कर ले तो क्या होगा? तुम अपनी माँ के पास चले जाना, मैंने तो सारा व्यवस्था करके रखा है। अरे बाबा, इस दुनिया में आना जाना तो लगा ही रहता है, किसको यहाँ पर सारी जिंदगी जीना है? आज जो है कल वो नहीं रहेगा, इसमें इतना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब वक्त आएगा हम चले जाएंगे। चलो अभी काफ़ी रात हो चुकी है, मुझे नींद आ रही है, चलो आप चल के सो जाते हैं।